वेलकम टू मॉम एंड डॉटर्स। मैं हम तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल मॉम एंड डॉटर्स में। और आज हम आए हैं गोरखनाथ मंदिर और यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, घूमने आए हैं। तो मैं आगे आप सबको दर्शन कराती हूँ और करती हूँ बाकी बात के बाद में। अभी मेरे साथ है मान्या और शुभी मम्मी और छोटी आगे चल रही हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जाए। हवा बहुत अच्छी चल रही है, कैमरे से पूरा व्यू दिखाती हूँ। वहाँ शंकर जी ऊपर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे देखिए जल गिर रहा है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा। तो वहाँ पर अंदर जाना मना होता है। यहाँ का गार्डन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। क्या कर रहे हैं जैसे जैसे रात होगी ना वैसे वैसे ये और खूबसूरत लगने लगेगा। पहले हम लोग चाहते हैं मंदिर में दर्शन करने और अंदर फ़ोन और कैमरा नहीं अलाउ है तो बस यहीं बाहर से आप लोग देख सकते हैं। अंदर नहीं अलाउ है तो हम अंदर नहीं कर सकते हैं। और बाकी हम दिखाते हैं, ये देखिए नंदी महाराज बने हुए हैं कितने सुंदर। एक सेकेंड पहले नंद भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, वो जो लाइट आपको दिख रही है ना वही है वहाँ पे। वहाँ पे हैं भोलेनाथ जी और गोरखनाथ की फोटो। शरण श्रम के वारी नारायणी नमस्ते जयंती मंगला काली भद्र काली कपाणी जय बाबा गोरक्षनाथ महाराज। ये बाबा गोरखनाथ की खड़ाऊँ है ना। जय बाबा गोरखनाथ। ये सारे जितने योगी हुए हैं यहाँ पे, जितने लोग यहाँ के महंत थे, देखो सबका नाम सहित यहाँ लिखा हुआ है। ये सब योगीराज जी, योगी राजकृष्णनाथ परम गुरु उनको परम गुरु की उपाधि। दिग्विजयनाथ जी इनको हम लोग इनको देखे हैं, हम नानी तुम्हारी इनको देखी है, नानी ने इनको देखा है दिग्विजयनाथ जी को। इनके नाम पे बहुत सारे कॉलेज हैं, योगी रुचिराज मनसानाथ जी, योगी राज गंभीरनाथ जी, ये आदित्यनाथ से पहले ये थे नहीं दिग्विजयनाथ और
केदारनाथ हमने अपनी याद में दीदी केदारनाथ जी पानी हाँ यहाँ पे ये सारे जितने भी हैं ये योगी राज जलंधर नाथ जी इनका नाम है बहुत सारे सब योगी हैं। हटिए एक बार सामने थे बेटा आगे हटिए थोड़ा सा इन लोगों का अपना एक अलग नाम दे दिया जाता है ना जब ये लोग योगी पंथ ज्वाइन कर मतलब कर लेते हैं सारे योगी महाराज लोग हैं जय महालक्ष्मी मैया जय माँ सरस्वती माता माँ मेरा मनोरथ पूर्ण करो मेरी भी छोरी को बता वान्या कहाँ है वान्या अच्छा इनका नाम देखिए योगी अचल अचंभे नाथ जी ये मतलब पूरा टाइम देखिए आप सबके बारे में देखिए योगी राज शांति नाथ जी सबके दर्शन कीजिए ये पापा चल रही हूँ अंदर आपको दिखाती हूँ अखंड धूम अब जाने दो कपड़वा कम पड़ गया लोग आजकल ऐसे कपड़वा पहनते हैं क्या किया जाएगा जी मैं आपको दिखाती हूँ अखंड धूनी जो पता नहीं कितने सालों से जल रही है कोई नहीं जानता है कि वो कब से जल रही है ऐसे और वो कभी नहीं बुझती है कभी नहीं बुझती मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ यह देखो इसमें लकड़ियाँ सुलग रही हैं ना इसमें थोड़ी थोड़ी आग हमेशा सुलगती रहती है हमेशा पड़ी रहती है धीरे धीरे उसमें आग सुलगती रहती कभी बुझती नहीं तो कहाँ जल रही है जब से यहाँ पे आग कौन है गिरा दिया था ये देखो कितना बड़ा घंटा है देखो कितना बड़ा घंटा गिरा दिया वहीं खड़ा हो जाओ उसको पकड़ के इतना खूबसूरत वाह अभी रात में ये बहुत खूबसूरत लगने लगेगा ये चिड़िया भी ये देखें इन लोग का छोटी ये सब देखिए ये मौसी बेटी जहाँ होती है वहाँ शुरू हो जाती है आज आई थिंक योगी जी शायद हैं इसलिए पुलिस सख्ती बहुत ज़्यादा है सुंदर लग रहा मम्मा उधर देखो कितना सुंदर लग रहा हाँ जैसे जैसे रात होती जाएगी बहुत ही खूबसूरत होता जाएगा मैं आप सबको दिखाती रहूँगी अच्छा वो बन रहा है उधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है उधर मौसी और बेटियों की मस्ती वहाँ बनी ना प्रतिमा और जो तालाब बना है वो भीम जी के सोने की वजह से ही बना है इतने बड़े भीम सेन जी हैं और पीछे है तालाब जो इनके सोने की वजह से बना है और ये है छठ माता और सूर्य भगवान का मंदिर ओके देखती हूँ भीड़ नहीं है तब फिर करवाऊँगी ये लाइटिंग शो होती है शायद रात में लाइटिंग कर रहे हैं शुभी को वानिया और वाह शुभी अरे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा वानिया लाइट जगह ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है
यहाँ से ये तालाब पहले। अच्छा भैया, यहाँ पे लाइट शो नहीं होता ना, वो देखिए वहाँ पे कितने सारे डार्क, ये कितने सारे डक्स आई थिंक आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, पता नहीं। और फ़ोन भी बचाना, कहीं पानी में ना चला जाए। तो एक छोटी सी क्लिप देखो, यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है रेड रेड। हाँ दोस्तों, यहाँ से आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, यहाँ से मंदिर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। वो देखिए, वो है एंट्रेंस, पेड़, ये मंदिर। पैर दर्द हो रहे हैं इसको चलाने में। मजा आ रही है, हाँ। ये देखिए, पहले ये देखिए बीच में जो लगा हुआ ना, यहाँ लाइट शो होता था, अभी बंद है, एक हफ्ते से बंद है, वरना उसके पहले होता था। तो इसी टाइम होता है, अब हम लोग तो चले जाएंगे, इसलिए अब वापस चलिए, देखते हैं अगले साल। कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए यहाँ से मंदिर, वाओ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर लग रहा है ना छोटी मंदिर। दोस्तों हम लोग घूम के आ गए गोरखनाथ मंदिर, आप लोगों ने देखा होगा। वैसे मैंने मतलब मंदिर के अंदर तो अलाउ नहीं था कि हम वहाँ कुछ वीडियो बना सकें या फ़ोटोज़ ले सकें, अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होता है, पुलिस होती है अंदर, तो अंदर का तो नहीं हो पाया। बाहर का जितना पॉसिबल हुआ मैंने कैप्चर करने का कोशिश किया कि आप सब देख पाएँ, और बहुत 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 खूबसूरत जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और हम लोग तो बचपन से जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इतना बड़ा एरिया है ना, इतना बड़ा एरिया है कि आप चलते चलते थक जाओ, और हम सब मतलब थक के बिल्कुल इस समय पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे वैसे भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा चलना होता है तो मैं तो बहुत थक जा, आके बैठे हुए हैं सब लोग, और बस थोड़ा बहुत खाना वाना जिसको जो खाना था खा लिया है। वहाँ से ना हम लोग जब मंदिर से निकले, बोटिंग के मतलब जो तालाब है ना उसके बगल से ही गेट है बाहर निकलने का, तो पहले मेरा मन था कि मैं वापस जाऊंगी और रात में मंदिर का पूरा व्यू दिखाऊंगी, पर मतलब सच में बता रही हूँ, इतना इतना बुरा हाल था उस समय चलने की वजह से, मुझे लग रहा था कि बस अब कैसे भी घर जाओ, और बच्चे भी भूखे थे, हम लोग को भूख लग रही थी, क्योंकि पता है घूमने टहलने और देखने में ना टाइम का पता नहीं चलता है। और उसके बाद बच्चों ने मोमोज खाए, आइसक्रीम खाई, और मम्मी कुछ कुछ सामान वामान हम लोग देखने लगे थे, तो उन सब चीज़ों में उन सब की क्लिप मैं नहीं बना पाई, क्योंकि एक तो थकान भी थी, और फिर अब लग रहा था कि वहाँ थोड़ा सा मतलब अंधेरा है, और वो बैक साइड है ना, तो उधर पुलिस वगैरह नहीं उठती रहती है, तो डर लगता है कि इस समय कैमरा मतलब तो फ़ोन निकालने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो बस ये सब सोच करके नहीं किया हम लोगों ने, और अब घर आ गए हैं। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप बाहर रहते हैं, मतलब आप गोरखपुर से बाहर हैं, तो एक बार गोरखपुर ज़रूर आइए और गोरखनाथ मंदिर ज़रूर घूमिए। ये हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी का, योगी जी का, बाबा जी का की धर्मस्थली है, कर्मस्थली भी हम कह सकते हैं, और हम लोग की तो बहुत श्रद्धा है। मेरी जब विदाई हुई थी ना, तो विदाई से पहले हम लोग मुझे और मेरे हस्बैंड को, फिर ससुराल के बहुत सारे लोग भी, बहुत सारी गाड़ियाँ गई थी, सब लोग दर्शन करने गए थे गोरखनाथ। मेरे पापा की सबसे बड़ी वाली बुआ जो नहीं है इस दुनिया में, उन्होंने मतलब वो किया था कि सब अच्छे से हो जाए, तो विदाई से पहले हम अपनी बेटी को बाबा जी के दर्शन, गोरखनाथ बाबा के दर्शन करा के ही विदा करेंगे। तो विदाई से पहले मैं गोरखनाथ मंदिर गई थी, फर्स्ट टाइम जब आए थे तब भी गए थे। और यहाँ पे ना, अगर आपको आप कहीं बाहर से आ रहे हो, तो हालांकि भीड़ बहुत होती है, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी आपको अगर देखना है, अगर आपको मेले का शौक़ है, भीड़ भाड़ है, तो हमारे गोरखपुर में सवा महीने खिचड़ी का मेला लगता है, गोरखनाथ मंदिर पूरा परिसर, मतलब एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, शायद पापा होते तो मैं पापा से आपको पूछ के ज़रूर बताती, लेकिन
मतलब कई एकड़ में फैला है ये मंदिर परिसर, और पीछे तो गौशाला वगैरह बहुत है, मुंडन होता है और हॉल्स हैं जहाँ पे छोटे मोटे फंक्शंस जो होते हैं, भूत भराई बरछा, और जैसे अगर लड़कियों को दिखाना है शादी के लिए तो वो सब कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा जगह है पीछे। वो सब चूँकि शाम हो गई थी और दिन में निकलने लायक नहीं था, हम लोग ऑलरेडी शाम को निकले थे, और फिर बहुत देर तक चूँकि पापा नहीं है तो इसलिए घर भी बहुत लेट नाइट तक बंद करना सही नहीं लगता है कि घर लॉक रखो, तो इसलिए जो है हम लोग मतलब जल्दी जल्दी था कि टाइम से घर भी पहुँच आए। तो बस ऐसा सब कुछ रहा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप भी गोरखपुर के हैं तो प्रेम से बोलिए जय बाबा गोरखनाथ की। तो आप भी एक बार आइए, गोरखनाथ मंदिर के दर्शन ज़रूर कीजिए। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। अब बहुत थकान अब लग रही है, पता है सर वर बिल्कुल, मतलब ये वीडियो में इतना ही। फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में कुछ बढ़िया कुछ इंटरेस्टिंग लेके। तब तक के लिए आप सब अपना खूब ध्यान रखिए, चिड़ियों पक्षियों के लिए पानी दाना ज़रूर प्रोवाइड करवाइए, और आपने भी खूब सारा पानी पीजिए। बारिश नहीं हो रही है, भगवान बरस जाओ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।